कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज का टॉपिक हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें नज़र आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए, आपको सपोज किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सपोज 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 लाख रुपीज़ आप कहाँ से लेकर आएंगे? या तो आप शेयर्स इशू करते हो, इक्विटी शेयर, या फिर आप प्रिफरेंस शेयर, कुछ पार्ट अपन प्रिफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। कुछ हमारा होता है डेट, हम लोन ले लेते हैं या डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। कुछ हमारा होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आप जानते हैं, जो आपको हर साल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में कुछ पार्ट हम डिविडेंड दे देते हैं और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में रख लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो अमाउंट होता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। आपको पता है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट पेड करते हैं, इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट हम लोन या डिबेंचर्स पे देते हैं, उसके बाद हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर को डिविडेंड पे किया जाता है, जो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। वो पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बैलेंस होता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। अब आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कुछ प्रॉफिट जो है वो कंपनी रिजर्व में रख लेती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, और बाकी वो डिविडेंड पे कर देती है। तो जो रिजर्व वाला पैसा है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो अगर आपने ये पैसा रिजर्व में रखा है तो आपको इस पे भी इक्विटी शेयर होल्डर को अर्न करके देना होता है। तो देखिए, डेब्ट पे आपको पता है हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अब डेब्ट आपने अगर किसी से लोन लिया है या डिबेंचर इशू किए हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो उसकी कॉस्ट होती है। प्रिफरेंस शेयर पे आपको डिविडेंड पे करना होता है, वो उसकी कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर पे भी आप डिविडेंड देते हो, और रिटेन अर्निंग भी इसी का पार्ट होता है इक्विटी का, तो उस पे भी हमें डिविडेंड पे करना होता है। तो हम इनकी कॉस्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए और आपको पता है यार मुझे यहां पर 12% प्रॉफिट होगा। अब 12% प्रॉफिट होगा वो बढ़िया बात है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, ये 10 लाख रुपीज जो हमने फंड अराइज किया है डेबेंचर से, प्रिफरेंशियर से, इक्विटी से, तो उसकी कॉस्ट क्या है? अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने किसी से 1 लाख रुपीज लोन लिया, सपोज उसका इंटरेस्ट है 10%, और यहां पर आप अर्न कितना कर रहे हो? 10% ये अर्न कर रहे हो, तो वो तो कॉस्ट के इक्वली हो गया, तो आपको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। इट मींस आपने 10% आपका कॉस्ट लग रहा है और 10% ही आप अर्न कर रहे हो। तो नॉर्मली एक तरह से ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना तो कम से कम आपको अर्न करना ही है। जैसे कॉस्ट आपका 10% है कैपिटल का, तो इट मींस आपका प्रॉफिट 10% या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है। अब प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये प्रीवियस एक चैप्टर हमने देखा है कैपिटल बजटिंग, उसमें कंसीडर किया करते थे कि भाई आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वहां एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता था, जिसपे डिस्काउंट रेट, प्रेजेंट वैल्यू रेट भी निकालते थे, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही चीज होती थी। तो ये हमें अलग से कैलकुलेट करना होता है। तो आप इस चैप्टर में करेंगे क्या? सबसे पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जो हमने डेब्ट इशू कर रखा है कुछ पार्ट, उसका कॉस्ट क्या लग रहा है। फिर हम देखेंगे प्रिफरेंस शेयर का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, जिसे हम केपी, इसे केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट शॉर्ट में बोलते हैं, केपी कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को केआर, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब इनका जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो पहले तो ये इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर इसका ओवरऑल कंबाइंड कॉस्ट निकाला जाता है, जिसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, या आप इसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं।
सबसे पहले आप इंडिविजुअल कॉस्ट निकालोगे इन सब की, फिर ओवरऑल टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो इसे अपन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल देखते हैं। अब इंडिविजुअल देखिए, पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें इलस्ट्रेशन जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक का अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इसमें आपको बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये फर्स्ट जो आपका है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसे हम के डी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज हमें निकालनी है। अब यहां पर अभी अभी मैंने बताया डेप्ट पे आप क्या देते हैं, डेप्ट पे हम देते हैं इंटरेस्ट, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी देखिएगा। डेप्ट में आपको क्या क्वेश्चन जब गिवन होगा तो दो तरह के होंगे, एक तो इररिडीमेबल होते हैं डेप्ट और एक होते हैं आपके रिडीमेबल। अच्छा, अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है, रिडीमेबल यानी आप इसे शोधनीय, और ये आपका होता है अशोधनीय। अब शोधनीय या अशोधनीय का जो है वो डिफरेंस क्या है रिडीमेबल और रिडीमेबल, आपको पता है अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपको एन नंबर ऑफ इयर्स गिवन हो कि हमने जो डेबेंचर्स इशू किए हैं या डेप्ट लिया है वो 5 इयर्स के लिए 4 इयर्स के लिए है, तो फिर उसमें आपके रिडीमेबल डेबेंचर्स होते हैं, आपको आफ्टर सम टाइम 5 ईयर 8 ईयर 10 ईयर्स बाद रिडम्पशन करना है। वैसे तो डेबेंचर इशू करते हैं तो वो रिडीमेबल ही होते हैं, अब तो वो रिडीमेबल डेबेंचर, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एन नंबर ऑफ इयर्स नहीं गिवन तो वो इररिडीमेबल अशोधनीय है, आपके जो ऋण पत्र है वो माने जाते हैं। तो एक तो रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। अब इनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है देखिए, आप के डी कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, इसमें एक तो होता है बिफोर टैक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा आर डिवाइडेड बाय एनपी इनटू 100। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, यहां पर जो आपका है मैं इधर लिख देता हूं, आर जो है इसका मतलब है इंटरेस्ट, आप यहां आई भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एनपी यानी नेट प्रोसीड, या आप इसे नेट रिसीव्ड अमाउंट भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखिए, आर यानी तो इंटरेस्ट हो गया, एनपी यानी नेट प्रोसीड। जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उसमें जब आपके पास पैसा आता है तो उसमें जैसे डिबेंचर्स आपने इशू किए 100 रुपए का, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, आपने प्रीमियम पे इशू किया 5%, तो 100 रुपए का है, 5 रुपए प्रीमियम आएगा तो हमारे पास 105 105 रुपए आएंगे। लेकिन सपोज उसमें आपके अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज वगैरह भी 3 रुपीज लेस हो रहा है तो वो कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 102 रुपए। 100 रुपए का डिबेंचर था, 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया तो 105 रुपए आने वाला था, लेकिन उसमें 3 रुपए आपके इशू के एक्सपेंसेस जो है ब्रोकरेज कमीशन प्रिंटिंग जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस कर देते हैं, तो जो नेट अमाउंट रिसीव्ड होता है हमें उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसी में अगर के डी आफ्टर टैक्स निकालें तो आर के साथ 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, ये फॉर्मूला हो जाता है। टी यानी टैक्स रेट, ये आपका टैक्स रेट हो गया।
ठीक है, तो आर जो इंटरेस्ट है उसके साथ अपन ने ये कर दे, तो ये आफ्टर टैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अपन इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमेशा टैक्स से पहले करते हैं, तो जब अपन टैक्स से पहले करते हैं तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो टैक्स भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब अगर इसमें रिडीमेबल होता है तो देखिएगा केडी बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आर प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 × 100। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये फॉर्मूला जब लगता है जब इरिडीमेबल हो, मतलब एन क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, नंबर ऑफ ईयर, यहां देखिए एन नंबर ऑफ ईयर गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, अब समझिएगा, आर यानी इंटरेस्ट लिख चुके हैं अपन, एन पी भी लिख चुके नेट प्रोसीड, एम वी यानी मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू आप जानते हैं, जैसे सपोज एन है 8 ईयर, आपको 8 साल बाद में इनका रिडम्पशन करना है, तो आफ्टर 8 ईयर जब आप रिडम्पशन करेंगे, तो जब एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो आप रिडम्पशन भी कितने में करोगे, 100 में ही करोगे। कुछ क्वेश्चन में नहीं होता तो 100 का डिबेंचर है तो 100 रुपीज रिडीमेबल वैल्यू होगी, जिसे मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। अगर कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है रिडीमेबल 8 2% प्रीमियम, तो 100 रुपीज का है लेकिन रिडम्पशन के वक्त हमें 102 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज का डिबेंचर है तो 100 होगी, 500 का है तो 500 होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने इशू प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, पार पे किया, उससे कोई मतलब नहीं है। इशू के वक्त हमारे पास कितना पैसा आ रहा है वो होता है नेट प्रोसीड, रिडम्पशन के वक्त हम कितना पैसा देंगे वो होती है मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, जब 8 साल होगा उसके बाद कितना पेमेंट देना पड़ेगा, तो मैच्योरिटी पीरियड पे जो पेमेंट करना होगा वो मैच्योरिटी वैल्यू होती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होगा तो 100 की मैच्योरिटी वैल्यू 100, 500 की 500, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो रिडीमेबल 8 5% प्रीमियम, रिडीमेबल 8 2% प्रीमियम, तो मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर और फिर एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 × 100। इसी में मैंने आपको बताया केडी आफ्टर टैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, आर साथ में 1 - टैक्स, यार के साथ 1 - टैक्स मल्टीप्लाई किया था, बस वही चेंज, बाकी सब सेम रहेगा। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 × 100। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, अब मैं इसमें यहां पर ये लिख देता हूं एम वी एन है मैच्योरिटी वैल्यू, एन नंबर ऑफ या इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स भी आप बोल सकते हैं, या मैच्योरिटी पीरियड वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हैं, ये बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। जब फाइनल अपन वेटेड एवरेज का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमेशा आफ्टर टैक्स ही यूज आता है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब उसमें एक मैं चीज और बता देता हूं, दोनों में कॉमन है, कई बार कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो अगर हमें क्वेश्चन में यहीं पर मैं और करके कर देता हूं, कई बार हमें केडी बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप डायरेक्ट 1 - t से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे आफ्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है फॉर्मूला तो अपन लगा देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में केडी बिफोर टैक्स अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये वाला केवल हमें 1 - t मल्टीप्लाई करना है उसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के। ठीक है, एक बार आप ये कॉपी कर दीजिए। चलिए, अब इसी के अंदर हम
कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल में हल्का सा इसके अंदर चेंज होगा, आप समझिएगा। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। चलिए देखिएगा, ये मैं कर बता रहा हूं इसमें कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर केपी। अब इसमें भी सेम दो ही चीजें होती है, एक इररिडीमेबल और एक रिडीमेबल। सेम अगर क्वेश्चन में एन जैसे प्रिफरेंशियल होते हैं तो वैसे तो प्रिफरेंशियल रिडीमेबल ही होते हैं। तो क्वेश्चन में एन नंबर ऑफ इयर्स गिवन होगा, 8 ईयर 10 ईयर 5 ईयर, तो आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में एन नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स नहीं गिवन, तो फिर आपका शॉर्ट वाला जो ये इररिडीमेबल वाला है फॉर्मूला वो लगेगा। जब एन गिवन ही नहीं है तो आप ये फॉर्मूला पुट ही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, n गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और n नहीं गिवन तो ये वाला। लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है, देखिए ये kp, पहले तो kd था, ये kp, ये आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है, ये बिफोर होता था और आफ्टर के लिए हम 1-t मल्टीप्लाई करते थे, ये डायरेक्ट आफ्टर होता है। और फॉर्मूला देखो, r था इंटरेस्ट, तो उसकी जगह डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, d लिख सकते हो डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इन 200, सेम है ठीक है, बस आर की जगह डिविडेंट आ गया, वहां इंटरेस्ट है या डिविडेंट। और ये बिफोर निकलता था और ये डायरेक्ट क्या निकलता है, आफ्टर, क्योंकि हमें पता है प्रिफरेंस शेयर को जब डिविडेंट हम पे करते हैं तो आफ्टर टैक्स करते हैं, ठीक है। अब एक इसके अंदर अगर हम को क्वेश्चन में बिफोर टैक्स पूछे, आफ्टर टैक्स ही काम आता है नॉर्मल, लेकिन बिफोर टैक्स पूछे, हमने केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कैलकुलेट हो चुका उसमें डिवाइड कर देंगे 1-tax, केवल डिवाइड करना है 1-tax। तो ये तो आपका था कौन सा, इररिडीमेबल। अगर रिडीमेबल होगा तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन के पी पहले निकलता है आफ्टर टैक्स और फॉर्मूला यही रहेगा, बस आर की जगह क्या आ जाएगा, डी, यानी डिविडेंट, यहां इंटरेस्ट था या डिविडेंट, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 × 100, सेम फॉर्मूला, ये याद होगा तो ये भी याद होगा, बस फर्क इतना है ये बिफोर निकलता है और ये आफ्टर। अब सेम चीज अगर हमें बिफोर टैक्स क्वेश्चन में पूछा हो तो जो भी आपका केपी कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसमें डिवाइडेड बाय 1-tax कर दें, जो ये किया था वही सेम फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारी दो चीजें हुई, एक कॉस्ट ऑफ डेट केडी और कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, दो चीजें हमने दोनों में देखी, ये इररिडीमेबल और ये रिडीमेबल। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में एन गिवन है ये फॉर्मूला लगेगा और अगर एन नहीं गिवन है तो ये वाले फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। यहां पर मैं नई चीज केवल और केवल डी है तो वो लिख देता हूं, डिविडेंट पर शेयर, तो ये बाकी सारी चीजें जो है इसमें क्या आ गई, कॉमन आ गई। एक बार आप यहां तक इसे पॉज करके कॉपी कर लें, आगे फिर हम देखते हैं इसमें। चलिए अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर हो गया, नेक्स्ट था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम वो देखते हैं।
तो ये थर्ड जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे हम के ई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बिफोर और आफ्टर का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डायरेक्ट आफ्टर ही निकलता है, लेकिन इसमें जब अपन फॉर्मूले यूज करते हैं तो तीन फॉर्मूले यूज करते हैं। पहला डिविडेंड यील्ड मेथड, सेकंड और अर्निंग यील्ड मेथड, थर्ड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला है वो देखिएगा, के ई डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय एमपी यानी मार्केट प्राइस इनटू 100। फिर इसमें जब आएगा अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, और यहां पर फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ये सेम फॉर्मूला, लेकिन इसमें साथ में ग्रोथ इन डिविडेंड है, तो प्लस जी यानी ग्रोथ रेट जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमें यहां पुट करना होगा, ठीक है। अब यहां पर डिविडेंड पर शेयर और ये मार्केट प्राइस, या अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, और यहां पर भी डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस जी यानी ग्रोथ रेट, ये इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन में डिटेल हो उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कि अगर डिविडेंड गिवन है तो ये, अर्निंग पर शेयर गिवन है तो ये, और साथ में ग्रोथ रेट भी गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर मार्केट प्राइस वर्ड यूज किया है। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है, ऑलरेडी इशूड है, तब तो यही फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन एक नोट इसमें है वो लिख लीजिएगा, इफ न्यू शेयर्स आर इशूड, अगर नए शेयर इशूड किए हैं आपने, जब आप न्यू शेयर्स इशू करते हो तो उस केस में जहां जहां अपन ने मार्केट प्राइस वर्ड यूज किया है वहां नेट प्रोसीड आ जाएगा, फॉर्मूले यही रहेंगे, लेकिन मार्केट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड। जैसे यहां लिख देता हूं मैं ये के डी, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, या फिर अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, या फिर डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस जी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सॉरी नेट प्रोसीड, अभी हमने देखा था जब न्यू शेयर आप इशू कर रहे हो तो एट द टाइम इशू आपके पास कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो नेट प्रोसीड, तो न्यू इशू कर रहे हो तब तो कितना रिसीव्ड हो रहा है वो अमाउंट आता है यहाँ पर। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर है, आप न्यू इशू नहीं कर रहे, पहले से शेयर हैं, तो उसमें फिर मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो आपका है एमपी यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, एनपी नेट प्रोसीड पर शेयर, क्योंकि हम पर शेयर ही निकालते हैं तो अपन पर शेयर नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस ये लेंगे, और साथ में जी भी लिख देता हूं मैं, जी यानी ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, हर साल आपका डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है किसी पर्टिकुलर रेट से, तो उसे ग्रोथ रेट इन डिविडेंड बोलते हैं, वो हम यहां यूज करेंगे। तो ये आपका था
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसी में लास्ट हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसे हम के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिटेन अर्निंग एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर का ही अमाउंट होता है, तो नॉर्मल केस में ये जो के ई है वही के आर होता है। लेकिन इसमें दो अलग अलग अप्रोच है, एक तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। देखिए क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज आपको ये जो कंपनी है ये डिविडेंड पे कर देती, तो आप उस डिविडेंड का क्या करते, कहीं और इन्वेस्टमेंट करते, तो जहां इन्वेस्टमेंट करते वहां से रिटर्न मिलता कि नहीं मिलता। तो आपने कहा ऐसा करो ये आप मुझे मत दो प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अर्न करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे इतना अमाउंट मिलता, तो उतना अर्न आप करके हमें दे दिए, तो वो एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, मत दीजिए, लेकिन आप मैं जितना इस पे एक्सपेक्टेड अर्न करने वाला था, जितनी मेरी अपॉर्चुनिटी थी, उतना आप अमाउंट हमें दे दीजिए। तो उसमें एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं नॉर्मल के आर का, ये जो के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले तो यही कैलकुलेट होगा, चाहे तीनों में से कोई भी एक मेथड जो डिटेल गिवन है वो यूज करेंगे, इनटू करते हैं 1 माइनस टीपी एंड 1 माइनस बी। टीपी है ना पर्सनल टैक्स रेट, बी है ना ब्रोकरेज रेट। अच्छा ये ब्रोकरेज रेट वगैरह क्या होता है, देखो देखो पर्सनल टैक्स रेट तो हमें पता है कि जब भी आपके पास कोई इनकम आएगी तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है, तो वो एक तो पर्सनल टैक्स रेट, एक ब्रोकरेज रेट, जब भी आपके पास डिविडेंड आएगा और आप उसे फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो बीच में ब्रोकरेज वगैरह आपका और एक्सपेंसेस होगा, तो वो भी सेव हो रहा है एक तरह से आपका, तो वो आपका ब्रोकरेज रेट। तो क्वेश्चन में गिवन होगा पर्सनल टैक्स रेट ब्रोकरेज रेट, ठीक है, ये हमको यहां एडजस्ट करने होते हैं। अच्छा अब इसमें कई बार आपको कैपिटल गेन टैक्स, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट गिवन होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए क्या होता है, अगर आपको रिटेन अर्निंग आपकी वहां पर हो रही है, इंक्रीज हो रही है कंपनी में, तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। जितना ज़्यादा रिटेन अर्निंग होता है तो वो आप ही के शेयर की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स आपका कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, कैपिटल गेन, क्योंकि आप जब शेयर्स को सेल करते हैं तो सेल्स करते हैं तो उसमें आपको जब शेयर्स कर रहे हैं तो कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपका ये जो फॉर्मूला सेम है, ये के ई 1 माइनस टीपी 1 माइनस बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टीसी, ये फॉलो करना होगा। नॉर्मल यही चीज आपको गिवन होती है, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको कैपिटल गेन, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट गिवन है तो वो भी अपन फॉलो कर देंगे। तो ये आपके हमने इंडिविजुअल देख ली, ठीक है, सबका कॉस्ट इंडिविजुअल अपन ने देख लिया, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आ गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का आ गया, ये भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब इनका कंबाइंड हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं, एक बार लिख लीजिए प्रॉपर, ताकि जब अपन इसके क्वेश्चंस करें तो आपको फॉर्मूले जो हैं वो याद रहें, और फॉर्मूले में क्या चीज़ का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस, नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ब्रोकरेज, तो ये सब आपको पता रहे। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए फेयर रजिस्टर के अंदर, ताकि आप हमेशा जब रिवाइज करें तो ये आपके सामने हो। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे ये प्रॉपर आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।